क्या आपने कभी दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग को देखा है? जिस डॉग की प्रजाति को घर में पालना तो बैन है ही, साथ ही साथ उस पर कई सारे देशों में ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। और क्या आपने कभी दुनिया के एक ऐसे डॉग को देखा है जो कि अगर किसी भी इंसान को अपने जबड़े में पकड़ ले तो वो उसे छोड़ता नहीं है, चाहे उसकी गर्दन ही क्यों न टूट जाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक डॉग्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डॉग्स इन द वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 10 पर है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है जो कि बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। इस डॉग की लंबाई लगभग 27 इंच तक होती है और इसका वजन 45 किलो तक होता है। इस डोगो अर्जेंटिना डॉग का इस्तेमाल जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए किया जाता है। इस डॉग को इसकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है। इस डॉग में इतनी ताकत होती है कि ये बिना रुके कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। इस डॉग का सर और गर्दन दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं और इनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर हमला कर दें तो ये उस इंसान का मांस तक बाहर निकाल देंगे। एक बार 2012 में लाइव प्रोग्राम में इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने उस शो की एंकर काइल डायर पर बस एक छोटा सा ही हमला किया था और उस एक हमले में काइल डायर का पूरा होंठ कट गया जिससे उनके चेहरे पर 70 टांके आए। उस समय काइल डायर बस इस डॉग को किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद ही लगा ही सकते हैं कि इस ब्रीड के डॉग्स कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर इस डॉग को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये इंसानों के प्रति बहुत ही फ्रेंडली और ईमानदार भी होते हैं। नंबर 9 पर है साइबेरियन हस्की। हस्की दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है जो लोगों और बच्चों के लिए गंभीर चोट पहुंचा सकता है। अगर इस नस्ल के कुत्ते को ढंग से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये डॉग्स नॉर्मल डॉग्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति होती है और इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। साइबेरियन हस्की अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार, सुंदर और लोगों के प्रति बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी और काले रंग की होती हैं, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देती हैं। इनके शरीर में ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगहों पर बोझा ढोने के लिए किया जाता है। ये डॉग्स 4 फीट तक ऊंची छलांग मार सकते हैं और 6 फीट ऊंची दीवार फांद सकते हैं और लोहे की चेन भी तोड़ सकते हैं। और ये डॉग्स इतने स्मार्ट होते हैं कि अपने गले में फंसे हुए पट्टे को खिसका खिसका कर निकाल सकते हैं और खुद को आजाद भी कर सकते हैं। इसीलिए इन डॉग्स के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स सबसे ज्यादा लिखाई जाती है। इन डॉग्स की एज 12 से 14 साल तक होती है और इनका वजन 20 से 70 किलो तक होता है। नंबर 8 पर है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बहुत ही खतरनाक और आक्रामक होते हैं। दुनिया भर में 12 देशों ने इस डॉग को अपने घर में पालने या रखने पर बैन लगा दिया है, लेकिन अमेरिका और ऐसे ही कुछ देशों में पिटबुल डॉग को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इनका उपयोग वजन खींचने वाले कंपटीशन में किया जाता है। इनका शरीर काफी गठीला होता है। इनके गठीले और शक्तिशाली शरीर की वजह से पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए भी किया जाता है। इन डॉग्स की जबड़े की पकड़ से खुद को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही तेज और दूसरे डॉग्स के मुकाबले काफी जल्दी सीखते हैं। कोई अगर इनका दोस्त बनना चाहे तो जल्दी ही ये उसके दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन इनके अग्रेसिव रूप को रोकने के लिए बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। 2005 से 2017 तक केवल अमेरिका में ही इस कुत्ते के काटने से 284 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इन डॉग्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो ये और भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो जाते हैं। नंबर 7 पर है रॉटवाइलर। इस प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, बहादुर और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। इनके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं और इस प्रजाति के कुत्तों का इस्तेमाल घरों में सेफ्टी के लिए किया जाता है। इनका शरीर बहुत ही तगड़ा होता है। शुरू में इनका उपयोग रॉटवाइल शहर में किया जाता था, जहां पर इनका काम बोझे को ढोना था और संपत्ति की घुसपैठियों से सुरक्षा करना था, इसीलिए इस डॉग का नाम रॉटवाइलर पड़ा। और इस डॉग का प्रयोग पुलिस डॉग के तौर पर भी किया जाता है। अपने मजबूत शरीर की वजह से ये भारी काम भी कर लेता है। इस प्रजाति के कुत्ते उस प्रजाति के कुत्तों के वंशज हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉटवाइल प्रजाति के कुत्ते बहुत प्यारे, वफादार और घुलमिल के रहने वाले होते हैं। इनकी एवरेज एज 8 से 10 साल होती है और इनका वजन 60 किलोग्राम तक होता है। 2014 में रॉटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौतें हुई और 1993 से 1996 के बीच कुत्तों के काटने से हुई मौतों के जिम्मेदार रॉटवाइलर और पिटबुल दोनों ही बराबर थे। इस डॉग को आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर में इस पर बैन लगा दिया गया है। नंबर 6 पर है जर्मन शेफर्ड। इस डॉग का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड में आता है और ये अपने मास्टर के प्रति सबसे ज्यादा वफादार डॉग होता है। इस डॉग को आपने इंडिया के कई सारे घरों में देखा भी होगा। अगर इस डॉग को किसी से खतरा लगे तो ये डॉग किसी पर भी हमला करने से नहीं डरता है। इस डॉग को दुनिया के हर कोने में पाला जाता है, लेकिन अगर इन्हें नहीं पाला जाए तो ये बहुत ही खूंखार हो जाते हैं, क्योंकि इन डॉग्स को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होती है। इनकी हाइट 65 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 40 किलो तक होता है। नंबर 5 पर है चाओ चाओ। ये डॉग देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन अगर इन डॉग्स को प्रॉपर अटेंशन ना दी जाए तो ये गुस्सा भी हो जाते हैं। ये डॉग्स ज्यादातर अटेंशन के भूखे होते हैं। ये डॉग गुस्सा होने पर किसी को भी नहीं छोड़ते। ये यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग्स में से एक है और इनकी हाइट 55 सेंटीमीटर तक होती है और इनमें वजन 35 किलो तक होता है। इस डॉग को घर में एक पेट के तौर पर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं। नंबर 4 पर है ग्रेट डोन। इस प्रजाति के डॉग दुनिया के सबसे बड़े डॉग होते हैं और इनका इतना बड़ा शरीर ही इनको ताकतवर और आक्रामक बनाता है। इनकी हाइट 85 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 90 किलो तक होता है। वैसे तो स्वभाव में ये डॉग्स इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये डॉग हमला कर देते हैं। इन कुत्तों का इतना बड़ा शरीर देख के ही लोग डर जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी इतनी कठिन नहीं होती है। इन्हें अपने घर पर पालतू आसानी से बनाया जा सकता है। ये यूरोप के कुछ ही देशों में होते हैं, इसीलिए इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। नंबर 3 पर है डोबरमैन। डोबरमैन डॉग इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इस डॉग के आसपास भी हैं तो फिर आप अपनी सुरक्षा खुद ही कीजिए, क्योंकि ये डॉग अपने ओनर के प्रति सबसे वफादार होता है और खतरे की भनक लगते ही ये हमला कर देता है। इन डॉग्स की वफादारी के कारण कई जगह पर इन डॉग्स को गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर से काफी फुर्तीले होते हैं और इनकी कुल हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनका वजन कम होता है। इनका कम वजन होने के कारण ये बहुत ही तेज भाग सकते हैं और ये बहुत ही फुर्तीले भी होते हैं। इन डॉग्स को कई देशों में बैन किया गया है और कई देशों में ले जाने से पहले इन्हें कंट्रोल करने के लिए विशेष इंतजाम करना होता है। नंबर 2 पर है जापानीज टोसा। इन डॉग्स को जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इन डॉग्स को पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये डॉग्स लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं और इन डॉग्स के भौंकने की आवाज भी बहुत ही डरावनी होती है। इन्हें यूके और आयरलैंड में बैन किया गया है। इन डॉग्स को दूसरे देशों में ले जाने के लिए कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। कई किलो मांस ये एक दिन में खा सकता है, इसीलिए इस डॉग को पालना नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इस डॉग की हाइट 82 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 60 किलोग्राम तक होता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 डेंजरस डॉग के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बॉक्सर। बॉक्सर डॉग को ज्यादातर गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये इनके समझदार होने की निशानी है। ये डॉग बहुत ही खूंखार और डरावने होते हैं, जिनकी हाइट 60 सेंटीमीटर और वेट 30 किलो तक होता है। इन डॉग्स का खाना बहुत ही महंगा होता है और हर दिन इन्हें 1 घंटे तक एक्सरसाइज कराना बहुत ही जरूरी होता है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये डॉग कमजोर होते चले जाते हैं। इन बॉक्सर डॉग्स को बच्चों से दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये डॉग्स बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और गुस्से में ये डॉग किसी को भी नहीं पहचानते। वैसे गाइस आपको इन टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डॉग्स में से सबसे डेंजरस डॉग कौन सा लगा, और क्या आपने जर्मन शेफर्ड डॉग को रियल में देखा है या खिलाया है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डॉग्स के बारे में पता चल सके। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।